हे दोस्तों, मैं कुंवर और मैं आज इस चैनल पे शेयर मार्केट की एक फ्रेश और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट से लोग पैसे कैसे कमाते हैं। इंडिया में शेयर मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। लोगों को शेयर मार्केट गैम्बलिंग लगता है, पर शेयर मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट के बारे में ऐसा मिसकंसेप्शन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज न होने के कारण आता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और हम आज इसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करेंगे। शेयर मार्केट, जैसा कि हम लोग नाम से देख सकते हैं, शेयर मार्केट एक तरह का मार्केट है जहां पे किसी चीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। जिस तरह हम लोग वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ऐसा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम की कोई कंपनी है, उस कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो वो कंपनी मार्केट में अपनी आईपीओ लाएगी। आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है और उस आईपीओ के थ्रू वो कंपनी पब्लिक से अपना पैसा उठाएगी। शेयर मार्केट मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लॉन्च करती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर की प्राइस, अपने कंपनी की वैल्यूएशन और भी अदर फैक्टर्स को कंसिडर कर रखती है, और जब आईपीओ की इंटरवल खत्म हो जाती है तो वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में चली जाती है। किसी शेयर को सेकेंडरी मार्केट में जाने के लिए आईपीओ में वो शेयर 90% से ज्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए। अब सेकेंडरी मार्केट में उस शेयर की प्राइस, उस शेयर की डिमांड, सप्लाई और कंपनी की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करती है। तो जिस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उस कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर कोई कंपनी मार्केट में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई या उस कंपनी की वैल्यूएशन घटी या मार्केट में उस कंपनी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो उस कंपनी की शेयर प्राइस भी घट जाएगी। जैसा कि आपने देखा, अगर आप अच्छे कंपनी के स्टॉक्स, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर और उस कंपनी को अच्छे से इवेल्युएट कर खरीदते हैं तो आपकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी के शेयर बिना उस कंपनी के वैल्यूएशन किए खरीद लेते हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़े। तो इस पूरे वीडियो की समरी में, शेयर मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेडिंग होती है। इंडिया में शेयर ट्रेडिंग के लिए दो मेन एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग इन दोनों के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।